आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। तो हाजिर हो एक बार फिर आप सभी की खिदमत में। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स। दोस्तों, फॉर्म 12D यानी 12 घ क्या है, इसके बारे में बताएं? अरे अभी बताए देते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन और करेक्शन के लिए बहुत से फॉर्म होते हैं और हर फॉर्म का अपना एक मतलब होता है। इसी तरह 12D यानी 12 घ का यूज डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने के लिए होता है। पोस्टल बैलेट से वोटिंग वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन जो कि 80 वर्ष से अधिक हैं, इसके साथ ही इलेक्टोरल रोल में जो रजिस्टर PWD वोटर्स यानी दिव्यांगजन और COVID-19 सस्पेक्ट या इफेक्टेड वोटर को इसकी सुविधा दी जाती है। और हाँ, जिन वोटर्स का डाक मतपत्र आवेदन यानी पोस्टल बैलेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है, उन्हें फिर डाक मतपत्र से ही मतदान करना होता है। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही। इसमें होता है ये कि BLO उन वोटर्स के घर जाकर उन्हें फॉर्म 12D यानी 12D देते हैं, और अगर निर्वाचक डाक मतपत्र का चुनाव करता है तो BLO इलेक्शन नोटिफिकेशन के 5 दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से भरा हुआ फॉर्म 12D लेकर रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म जमा कर देते हैं। और हाँ, सस्पेक्टेड या अफेक्टेड कोविड वोटर्स अगर क्वारंटीन में हैं, वो भी इलेक्शन नोटिफिकेशन के 5 दिनों के भीतर अपने रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म D जमा कर सकते हैं।